प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी की कक्षा में हम पाठ 12 कैदी और कोकिला की कविता का सार पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कोयल की असमय चीख सुनकर कवि पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती, क्या ये हथकड़ियां नहीं रही हैं? अब अंग्रेज सरकार दिए गए गहने हैं जो हम दिन रात पहनकर रखते हैं। हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज तुम सुनती हो, वही मेरे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम पत्थरों को तोड़ते हैं और पेट पर तांबे का एक कप चमड़ा बांध कर जुआ रख कर हम कुएं में से गिर कर पानी निकालते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानियों पर इन्हें कोई दया नहीं आती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर संगीत हमें सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो सही, तू अपनी मधुर आवाज से देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न कर रही है? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि को लग रहा है कि कोयल उनकी वेदना को देखकर अत्यधिक पीड़ित हो गई है और इसीलिए वो जनता की आवाज देकर हमें रात के समय उत्साहित करने आती है और हमें बार बार ये एहसास दिलाती है कि हमें अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराना है।